हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेल्पलाइन एक्सपर्ट इंटरनेट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप पीसी या लैपटॉप में अपने फोल्डर को लॉक लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। किस प्रकार से लगा सकते हैं, और हाँ, उसकी एक खास बात यह है कि आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते और उसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है, चलिए आपको बताते हैं बिना समय गवाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखो दोस्तों, ये NV फोल्डर लॉकर है, तो इसको डाउनलोड कर 13 MB का 13.95 और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, मैं होम स्क्रीन पे आ चुका विंडो की पे। अब ये NV फोल्डर लॉकर है, तो इसको आप ओपन करिएगा तो फर्स्ट टाइम इस प्रकार से दिखाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी अपना मनपसंद पासवर्ड लगा लीजिए, मैं इसमें लगा लेता हूँ। और ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा, जब भी मान लो आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो इससे आपके ईमेल आईडी पे फॉरगोट करोगे तो आपका पासवर्ड मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और एक बात और दोस्तों, इसकी एक खासियत और है कि आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। ठीक है, और ओके कर दीजिए। देखो दोस्तों, इस प्रकार से ये फोल्डर खुल जाएगा। फिर उसके बाद में हम कोई भी इसमें ऐड करते हैं, जैसे मान लो एक फोल्डर बना लेते हैं। उसके बाद में क्या करना है, ऐड पे है, ऐड के ऊपर दबा देना है आपको। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, अभी डेस्कटॉप पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक राजेंद्र कुमार के नाम से फोल्डर है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ओपन दबा देते हैं। देखो दोस्तों, अब ये यहाँ पे साइड में ऑप्शन आ रहे हैं कि आप, बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं कि आप किस प्रकार का रखना चाहोगे, हाइड करना चाहोगे, लॉक करना चाहोगे या पासवर्ड लगाना चाहोगे। तो मैं इस पे पासवर्ड लगा देता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि जो पहले आपने पासवर्ड लगाया था वही लगाना चाहते हो या अपने हिसाब से कोई दूसरा चेंज करना चाहते हो। चेंज करना चाहते हो तो नीचे आप कस्टमर पर दबाना है और यहाँ पर न्यू पासवर्ड भी भर सकते हो, यानी कि आप अलग अलग फोल्डर पे अलग अलग पासवर्ड लगा सकते हो। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और ओके दबा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक फोल्डर था ये राजेंद्र कुमार के नाम से, तो इसको ओपन करूँगा तो ये पासवर्ड मांगेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो इसको पासवर्ड लगाते हैं जो मैंने लगाया था और इसको ओके कर देते हैं। देखो दोस्तों, ये आ गई सारी फाइलें, ये फोटो डाल रखे थे। अब ये कह रहा है कि आप इसको क्लोज करोगे तो आप पासवर्ड को लागू रहने देते हैं, तो यस कर दीजिए। देखो दोस्तों, ये भी फोल्डर को गायब करके दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हाइड कर देते हैं, जो फोल्डर था हमारा राजेंद्र के नाम से वो यहाँ से हाइड हो चुका है, यानी दिखाई भी नहीं देगा। और रीड ओनली कर दिया, उसके बाद में पासवर्ड पे लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसको मैं आपके सामने डिलीट करके दिखाऊंगा। जैसे मान लो इसके ऊपर राइट वाला दबाया और इसको डिलीट करता हूं, और देखो दोस्तों, ये पासवर्ड मांगेगा यहां पे, तो यहां पे इस प्रकार से पासवर्ड मांगेगा। अब इसको, इस ऐप को अनइंस्टॉल करके दिखाता हूं। कंट्रोल पैनल पे गया मैं और प्रोग्राम में गया। अब ये ऐप का नाम देख लेते हैं, NV फोल्डर अनलॉक अनइंस्टॉल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अनइंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मास्टर पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, तो जब आपके पास पासवर्ड होगा तो आपको इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा। देखो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया है, तो आप अपने PC या कंप्यूटर में अच्छी तरह से डाल लीजिए और है ना, आपके बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और आप इसको क्लोज कर दीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।